टाइगर 3/1/2023 भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित और यशराज फिल्म्स के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। यह YRF स्पाई यूनिवर्स की 5वीं किस्त है। फिल्म में सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी के साथ रेवती, सिमरन, विशाल जेठवा, रिद्धि डोगरा और कुमुद मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। टाइगर जिंदा है 2017 की अगली कड़ी, यह फिल्म युद्ध 2019 और पठान 2023 की घटनाओं पर आधारित है। इसमें टाइगर और जोया एक दुष्ट ISI एजेंट को रोकने के लिए निकलते हैं, जो पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ तख्तापलट करने के लिए उनका इस्तेमाल करता है। टाइगर 3 को 12 नवंबर 2023 को दिवाली के अवसर पर मानक, IMAX, 4DX और अन्य प्रीमियम प्रारूपों में रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से मिलीजुली सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें इसके एक्शन दृश्यों, संगीत, स्कोर, तकनीकी पहलुओं और कलाकारों के प्रदर्शन, विशेषकर खान, कैफ और हाशमी के लिए प्रशंसा हुई, लेकिन इसके कथानक और गति के लिए आलोचना हुई। फिल्म ने दुनिया भर में 466.63 रुपए करोड़ की कमाई की, जो 2023 की 6ठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और 2023 की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। बॉलीवुड फिल्मों से संबंधित अधिक नवीनतम अपडेट के लिए भतीजा मूवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।